इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई दलित युवती की मौत हो गई है। दशूद्र को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। पीड़िता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। इससे पहले अलीगढ़ के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। भीम आर्मी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि ने हमें बताया कि 19 साल की दलित लड़की वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन वो मौत को मात ना दे सकी। क्या हुआ था हिमांशु जी, और लड़की खत्म हुई? जैसे कि उनको जो है, आपको पूरे देश को पता है, हाथरस में ये कांड हुआ, दलितों की बेटी थी ये, इसके साथ जो है चार लोगों ने जो है बलात्कार करा, और इसकी जो है बलात्कार करने के बाद जो है इसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन तोड़ दी गई, और भी दो तीन जगह से और भी फ्रैक्चर थे बॉडी पार्ट। तो इसके चलते प्रशासन की नाकामियों की वजह से इसको जिन शहरों में बुखार का ढंग से इलाज नहीं होता है, उन शहरों में इस बच्ची को 13-14 दिन तक जो है वहीं पर रखा गया। ये सोची और समझी साजिश के तहत इसके साथ हुआ, क्योंकि कोई भी क्रिटिकल केस होता है तो पूरे देश के लोग जो हैं दिल्ली की ओर लेके भागते हैं, मगर प्रशासन सोया हुआ था और उन दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके चलते जो है इस बेटी के साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर आने के बाद भी वहाँ से परिवार व हमारे तमाम लोगों को जो है प्रशासन ने, पुलिस ने, डीएम ने सबने आश्वासन दिया कि बच्ची एम्स एडमिट होगी, मगर एम्स जब यहाँ लाते हैं ना तो सिक्योरिटी थी उसके साथ और ना ही कोई और थे, तो सिर्फ पीड़ित का परिवार था और पीड़िता थी एम्बुलेंस में। तो लाने के बाद एम्स लाया गया। एम्स में बताया गया था हमसे भी कि वहाँ पे बेड रिजर्व हो गया, बेड जो है आपका जो है खाली है, मगर वहाँ एम्स से वापस कर दिया जाता है। फिर जो है बेटी को सफदरजंग लाया गया, 3 घंटे इलाज में देरी के कारण जो है उसकी ये स्थिति हुई है। आज बीती रात तकरीबन 3 से 4 बजे उसने जो है हमारे बीच में नहीं रही। इस बीच क्या उसका कोई बचपन था या उसने जो उसके जो रेपिस थे उनके लिए कुछ कहा था? देखिए, वो जब आखिरी बार जब अपने परिवार से बात कर बोल पाई तो उसका यही कहना था कि दोषियों के ऊपर जो है सबसे सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को जो है फांसी की सजा हो, जैसा मेरे साथ हुआ है, सब किसी बहन बेटी के साथ दोबारा ना हो, तो तब तक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना था उस बेटी का, उस बहन का। मगर प्रशासन की नाकामियों के चलते जो है ये सब चीज हुई। जिस तरह से ये पूरे देश को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सरकार जो है जाति देखकर न्याय देने का काम करती है, उसी तरह से ये भी सिद्ध हुआ कि बहुत सारे चैनल्स बता रहे थे कि एम्स में एडमिट किया जा रहा है, मगर एम्स में नहीं एडमिट किया गया। और उसी के तुरंत बाद जब वो सफदरजंग एडमिट हो गई तो रात को ही उमा भारती जो देश की केंद्रीय मंत्री है उनको वहां पे एम्स में एडमिट करा गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं एक स्वर्ण की बेटी के साथ, एक दलित की बेटी के साथ ऐसा होता है, और एक केंद्रीय मंत्री की बेटी के, एक केंद्रीय मंत्री के साथ हुआ तो बेड खाली थे। तो आज भी इस देश में हमको जो है न्याय तो जाति के आधार पर मिलता ही है, साथ साथ हमको जो है स्वास्थ्य सेवाएं भी जाति के आधार पर मिलती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी वर्ग देख के मिलती है। हाथरस में 14 सितंबर को युवती के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। गांव के ही 4 सवर्णों पर लड़की के साथ गैंगरेप करने और उसे जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। जालिमों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली और उसकी जीभ भी काट डाली थी, तभी से पीड़िता वेंटिलेटर पर थी। योगीराज में एक बहुजन बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद यही सवाल उठता है कि क्या इस बहुजन बेटी को कभी इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।